Okay. See, this is our third lecture, right? We have already discussed the chapter number 1 only here, chemical reaction or equation. अगर हम last topic देखे तो हमने last topic में discuss किया था type of chemical reaction, right? Different types of chemical reaction we have discussed in this chapter, right? Type of chemical reaction. राइट right. उसमें से हमने फर्स्ट नंबर का रिएक्शन देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन यू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल वी आर डिस्कस हियर पेज नंबर 6 पे हमने क्विक लाइम से स्लैक लाइम देखा था कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्रोमिस करे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और H2 और O2 को रिलीज करे तो वाटर रिलीज होगा राइट मतलब दिस इज अ वन टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्लियर उसके आगे से हमको स्टार्ट करना है राइट टू टाइप ऑफ reaction in our surrounding according to this chapters first is the exothermic second is the endothermic ये बहुत important topic है कितनी बार exam में definitions आती है right what is the definition of exothermic reaction and what is the definition of endothermic reaction and sometime ask the question is also right example is given here and you just identify कि वो reaction जो है वो endothermic है या तो फिर exothermic है clear चलो we have discussed here अदर एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स सपोज हम नेचुरल गैस इज CH4 मीन्स मीथेन मीथेन इज द नेचुरल गैस राइट बर्निंग ऑफ प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन तो इट गिव्स द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर राइट यहाँ पे अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करें CH4 मतलब मीथेन यहाँ पे आपको नाम लिख लेना है मीथेन बराबर दिस वन इज द ऑक्सीजन दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इज रिलीज अगर एनर्जी रिलीज हो तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और अगर एनर्जी देना पड़े राइट कितने रिएक्शन ऐसे होते हैं उसमें एनर्जी हमको देना पड़ता है जस्ट लाइक एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ फूड बराबर फूड बनाने के लिए हमको एनर्जी एलपीजी को बर्न करना पड़ता है एनर्जी देना पड़ता है नहीं तो फूड बनेगा ही नहीं राइट तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है राइट ओके वी ऑल नाउ दैट वी आर नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव अलाइव मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मूविंग कर सके मोशन कर सके जिसमें सेंस हो राइट ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स बराबर एनिमल्स डिफरेंट टाइप ऑफ राइट बर्ड्स मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसका फंडामेंटल सेल हो वो सब अलाइव है बैक्टीरिया वायरस राइट और वायरस एक ऐसा होता है कि जो कहीं पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है कहीं पे नॉन लिविंग की तरफ भी वर्क करता है बराबर जैसे कि डिफरेंट वायरस को अगर हम देखें तो कहीं पे वायरस अगर नॉन एक्टिव चीज पर है कहीं पे वो सेल के कॉन्टेक्ट में नहीं है राइट उस टाइम वो नॉन लिविंग की तरह वर्क करेगा लेकिन जैसे ही वो सेल के कॉन्टेक्ट में आता है वो लिविंग की तरह वर्क करने लगता है और फास्ट ग्रोथ करने लगता है राइट मतलब अलाइव मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म राइट उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना है और आपको कंसेप्ट समझ लेना है राइट चलो वी ऑल नाउ दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव मतलब हमको जितने भी अलाइव एनिमल्स है सबको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्लियर वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट वो एनर्जी अलाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें से लेते हैं फूड में से लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड राइट फूड मतलब जस्ट लाइक यूज द राइस पोटेटो ब्रेड राइट डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज वो हमारे फूड के रिसोर्सेज है क्लियर चलो During the digestion, food is broken down into simple substances. For example, rice, potato, and bread contain carbohydrates. Right? These carbohydrates are broken down to form glucose. Right? यहाँ पे glucose का formula आप लिख लेना. Right? C6H12 और O6. ये glucose का formula है. Right? मतलब इसका मतलब simple है. जितने भी alive लिविंग ऑर्गेनिज्म से उनको सर्वाइव करने के लिए राइट मतलब चलने के लिए बोलने के लिए दौड़ने के लिए बात करने के लिए सोने के लिए राइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो एनर्जी किसमें से लेते हैं दे आर टेक द डिफरेंट टाइप ऑफ राइट फूड राइट दाल भात साग रोटला रोटी जो भी है ऑल आर इज द वन टाइप ऑफ फूड ऑल आर इज द राइट वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएशंस एनर्जी रिसोर्सेज है हमारे राइट उसको जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है राइट ये भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है कि हमारी बॉडी के सेल डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर सकते राइट ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे लाइफ प्रोसेस में क्लियर ये फिर से ब्रेक डाउन होगा C6 राइट इन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑक्सीजन के प्रेजेंट में
ऑक्सीजन के प्रेजेंट में रिएक्शन होगा उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, दूसरा ऑक्सीजन के अवशेष में होगा उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। मतलब इसका जो ब्रेकडाउन है वो चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। क्लियर? ओके। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद द ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। मतलब यहां पे क्या होता है, C6H12O6 मींस ग्लूकोज 6 मोल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी हमारे बॉडी के अंदर। बराबर, यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लाइक ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मतलब फूड हमारे बॉडी के अंदर एंड यार कंटिन्यूअस टेक द ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। बराबर, रेस्पिरेशन के साथ हम ऑलरेडी फैमिलियर है, राइट? वी आर ऑलवेज टेक द ऑक्सीजन और रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, क्लियर? और आफ्टर रेस्पिरेशन वी आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इज रिलीज देयर, राइट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। ये हम डेप्थ में चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में। क्लियर? चलो, the decomposition of vegetables matter into the compost is also an example of an exothermic reaction। मतलब vegetables का जो decomposition है वो भी एक exothermic का example है। clear? मतलब exothermic का example means what? What is exothermic reaction? किसी भी equation होने के बाद अगर energy release हो तो वो exothermic है। exothermic मतलब energy का release होना। clear? चलो, identify the type of the reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along with the formation of single product, right? Next page, next topic of hamara hai decomposition reaction। abhi humne kya dekha tha, kaun sa reaction ye hai, ye combination reaction hai, right? Combination matlab two different एटम और कंपाउंड को कंबाइन करना और उसमें से सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? आपको रोज का रोज पढ़ना है, ये चीज याद रखना। उतना ही कंटेंट हम डिस्कस करते हैं जो आप इजीली कर सकते। क्लियर? अगर आपने ये थ्योरी को कंटिन्यूअस रोज नहीं पढ़ा है लाइक यू आर नॉट कंफर्टेबल इज देयर। क्लियर? इसलिए आपको रोज का रोज पढ़ना है, राइट? चलो, नेक्स्ट थ्योरी है डीकंपोजिशन। बराबर, दिस वन इज द अदर टाइप ऑफ रिएक्शन डीकंपोजिशन। रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सी, डीकंपोजिशन इज अ वर्ड ऑफ वो ऐसी डेफिनेशन है जो केमिस्ट्री का भी पार्ट है और बायो का भी पार्ट है। डीकंपोजिशन वर्ड में से ही बहुत कुछ थ्योरी क्लियर हो जाए। क्लियर? डीकंपोजिशन मींस व्हाट, ब्रेक करना, किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करो, डीकंपोज करो। बराबर, ब्रेक करते हैं, राइट? उसको हम डीकंपोजिशन बोलते हैं। केमिस्ट्री में भी डीकंपोजिशन होता है, बायो में भी डीकंपोजिशन। माइक्रोऑर्गेनिज्म इज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? आज भी अगर हम बात करें तो हमारे विलेज के अंदर, राइट, आज भी हमारे घर में जितना भी डिस्टर्बेंस होता है ना, काउ डंग, वेजिटेबल्स के डिफरेंट पार्ट्स, राइट, उसको अपने घर से काफी दूर लोग कलेक्ट करते हैं, राइट? दिस इज द बेस्ट टाइप ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर, राइट? एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज देयर। माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, काउ डंग को जितने भी वेस्ट पार्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसी को हम डीकंपोजिशन बोलते हैं। क्लियर? मींस डीकंपोजिशन इज part of the physics, part of the biology as well as chemistry is also. Clear? मतलब हम chemistry में पढ़ेंगे कि what is exactly decomposition reaction. Clear? चलो, here we have taken another activity, activity 1.5, right? Take the 2 gram ferrous sulfate. मतलब हम लोग क्या करते हैं, हमने activity यहाँ पे देखा है decomposition reaction में, ferrous sulfate means FeSO4, ferrous मतलब Fe, sulfate मतलब SO4, right? उसको जब हम heat करें, right? अब यहाँ पे आपको याद रखना है, heat means अगर heat लिख है या तो फिर ऐसा triangle का symbol करें, ये arrow में दोनों का meaning same है। clear? तो यहाँ पे ये breakdown होगा, decomposition means क्या, break करना, right? microorganisms क्या करते थे, जो हमारे घर में
वेस्ट पार्ट होता था उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते थे, ब्रेक करते थे। सेम थिंग हियर इज आल्सो, फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा और यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बनेगा, मींस हियर Fe2O3 फेरस ऑक्साइड राइट, और SO2 सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इज रिलीज देयर। मतलब फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो थ्री डिफरेंट डिफरेंट राइट कंपाउंड हमको देखने को मिला है राइट, मतलब वो ब्रेक डाउन हो गया है, तो उसी को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। डीकंपोजिशन मतलब ब्रेक करना, क्लियर। अनदर एग्जांपल इज आल्सो वी हैव डिस्कस हियर, जस्ट लाइक अ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी को हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं राइट, लाइम स्टोन। इसको अगर हम हीट करें राइट, इसको अगर हम हीट करें तो यहां पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज देयर। तो यहां पे भी CaCO3 राइट, लाइमस्टोन और कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज देयर। यहां पे भी ये ब्रेक डाउन हुआ, मतलब दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन राइट। अदर एग्जांपल इज आल्सो वी हैव डिस्कस हियर, जस्ट लाइक अ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट, लेड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO3 राइट, उसको अगर हम हीट करें क्लियर, तो उसमें से भी लेड ऑक्साइड PbO और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस इज रिलीज हियर, बराबर। मतलब यहां पे तीनों को अगर हम देखें तो ये कंपाउंड फेरस सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट इज लाइमस्टोन, इसी का नाम कैल्शियम कार्बोनेट भी है, और लेड नाइट्रेट Pb मतलब लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट, ये तीनों को हमने हीट किया तो ये कंपाउंड क्या हो गए, यहां पे ब्रेक हो गए, क्लियर, ये ब्रेक हो गए, उसी को हम ब्रेक होना जो है दिस वन इज द डीकंपोजिशन रिएक्शन राइट। अनदर एग्जांपल इज आल्सो वी हैव टेक हियर, सपोज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मतलब Ag और Cl, अगर वो सनलाइट इज आल्सो वन टाइप ऑफ हीट हियर, सनलाइट की प्रेजेंट है, सनलाइट इज आल्सो वन टाइप ऑफ हीट, तो यहां पे क्या होगा, सिल्वर इज सेपरेटेड हियर, मींस 2 मोल सिल्वर प्लस Cl2 गैस इज रिलीज इज देयर, क्लियर। मतलब यहां पे अगर हम सब एग्जांपल देखें तो सबके सब एग्जांपल इसके हैं, डीकंपोजिशन के एग्जांपल है, बराबर। अदर एग्जांपल इज आल्सो वी हैव टेक हियर, सपोज 2 मोल सिल्वर ब्रोमाइड AgBr राइट, उसको भी अगर हम सनलाइट के प्रेजेंट में रखें राइट, तो हियर सिल्वर इज सेपरेटेड और Br2 इज सेपरेटेड इज देयर, बराबर। मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या है राइट, डीकंपोजिशन रिएक्शन मतलब कंपाउंड का ब्रेकडाउन होना, मींस विदाउट हीट, बट आपको याद क्या रखना है, मालूम पड़ रहा है कि कितनी बार एग्जाम में राइट LHS रिएक्टेंट दिया हुआ है, LHS दिया होता है और प्रोडक्ट भी दिया होता है, क्लियर, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, क्लियर। अगर एक सिंपल एग्जांपल अगर हम देखें, हमारे घर के अंदर सपोज अपने को टी बनाना हो, टी राइट, हम टी लीफ मिल्क एवरीथिंग सबको हम मिक्स करते हैं और गैस का बर्नर स्टार्ट नहीं करें तो क्या टी बनेगा, नहीं, क्लियर। भले आप 2 आवर्स तक रख के रखो, 3 आवर्स तक रख के रखो, 4 डे तक रख के रखो, लेकिन टी कभी भी प्रिपेयर नहीं होने वाला, व्हाई, बिकॉज जब जैसे ही हम बर्नर स्टार्ट करते हैं, LPG स्टार्ट करते हैं, क्लियर, जितने भी उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है, मिल्क है, वाटर है, टी लीफ है, शुगर है राइट, सब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं राइट। सेम थिंग हियर इज आल्सो राइट, मतलब यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा राइट, फेरस सल्फेट राइट, 3 डिफरेंट कंपाउंड इज क्रिएटेड इज देयर राइट। सेम थिंग कैल्शियम कार्बोनेट, लेड नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कार्बोनेट राइट, लेड नाइट्रेट Pb मतलब लेड, NO3 मतलब नाइट्रेट राइट, फिर सिल्वर क्लोराइड Ag मतलब सिल्वर राइट, Cl मतलब क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड Ag मतलब सिल्वर, Br मतलब ब्रोमाइड, ये ऑल आर इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हियर। हीट, हीट के प्रेजेंट में क्या होंगे, ये सब के सब राइट सेपरेट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। आपको आज से आज ही कर लेना है और इसको देखो लर्न करने का एक मेथड है, बराबर। आप याद रखना 10th के लिए
राइट, ये थ्री सब्सटेंस आपको याद रखने, अगर NO3 हो मतलब नाइट्रेट, राइट, SO4 हो मतलब सल्फेट, राइट, और अगर CO3 हो मतलब कार्बोनेट। आप देखो CO3 यहाँ पे है, आपको पहले कैल्शियम कार्बोनेट, अगर Mg हो तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, राइट, अगर CO हो तो कोबाल्ट कार्बोनेट, Cu हो तो कॉपर कार्बोनेट, राइट, मतलब यहाँ पे मेटल का नाम लेना है और लास्ट में तो कार्बोनेट कॉमन ही होगा। सेम थिंग राइट, CO3 इज कार्बोनेट, SO4 इज सल्फेट और NO3 मतलब नाइट्रेट। यहाँ पे भी आप देखो NO3 इज नाइट्रेट और Pb। अब ये वैलेंसी है, आपने ऑलरेडी क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, राइट, चैप्टर नंबर 3 और 4 3 में पढ़ा था कि व्हाट इज वैलेंसी, राइट, किसी के पास प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस 4 वैलेंसी होती है। सेम थिंग माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और माइनस 4 इज आल्सो क्लियर। सेम थिंग आपको ये चीज तीन चीज different different things याद रखना है। 10th में ये तीन ही है maximum, right? NO3 होता नाइट्रेट, SO4 होता सल्फेट और CO3 होता मतलब कार्बोनेट। Clear? चलो। Next आपको एक बार अच्छी तरह से ये पढ़ लेना है, right? अगर कोई doubt हो, right? अगर आप आज के आज ही पढ़ोगे ना तो ही समझ पढ़ने वाला है। ऐसा मानो कि content एक बार चला दिया, आप दो दिन के बाद पढ़ रहे हो तो you are not comfortable is there. Clear? मतलब है इजी, टेंथ का जो साइंस है, साइंस इज राइट, वो बहुत ही इजी है, ऑर्गेनाइज्ड है, बट रेगुलर करने की जरूरत है, राइट, और लिखना है। क्लियर, लिख आपको लर्न कैसे करना है, देखो मैं आपको लर्न करने का मेथड भी बताता हूँ, राइट। नाइन अभी जनरली अभी तक आप कैसे मेथड में पढ़ते थे कि आपको कोई इक्वेशन नहीं आ रहा है, चल 20 टाइम लिख दो, 20 टाइम नहीं अगर इस पर 200 टाइम लिखोगे तो भी लर्न नहीं होने वाला, राइट, अगर समझ के लिखोगे ना तो 5 टाइम लिखने में ही लर्न हो जाएगा, बराबर। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला NO3 नाइट्रेट, SO4 सल्फेट, राइट, अगर आगे कैल्शियम है, राइट, और यहाँ पे CO3 है तो कार्बोनेट और Ca मतलब कैल्शियम, आपको ये याद रखना है, Ca मतलब कैल्शियम और CO3 मतलब कार्बोनेट। वैसे आपने फर्स्ट 18 एलिमेंट 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ के आए हो, फर्स्ट 18 एलिमेंट, यहाँ पे आपको 63 एलिमेंट पढ़ना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, राइट, उसमें आपको 63 एलिमेंट पढ़ना है। क्लियर, आपने फर्स्ट 18 तो आप पढ़ के आया है, ये ऑलरेडी आपने पहले पढ़ा हुआ है। क्लियर, चलो आपको मेथड समझना है, मेथड से कैसे लर्न करते हैं वो समझना है, राइट। चलो नेक्स्ट थियरी हम डिस्कस करते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction. अब displacement भी word में से ही मालूम पड़ता है, displace कर देना, right? Condition को change कर देना, place को change कर देना, बराबर। मालूम पड़ रहा है कि एक class है, 63 student है, right? हम राहुल और अनुज दोनों अलग अलग bench पे बैठे हैं, clear? दोनों जहां पे बैठे हैं presently उनकी बेंच की सिचुएशन को राहुल को बिठा के उठा के अनुज की जगह बिठा देना है, अनुज को उठा के राहुल की जगह बिठा देना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज द कंडीशन पोजीशन, राइट। सेम थिंग हियर, यहां पे एलिमेंट को डिस्प्लेसमेंट करना है। क्लियर, चलो वी आर डिस्कस हियर, सपोज Fe और CuSO4, Fe मतलब आयरन, CuSO4 अभी मैंने आपको बताया, Cu मतलब कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट, राइट, मींस CuSO4, राइट। अब Fe मतलब आयरन और CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट, खाली आपको याद ये रखना है, जैसे मैंने आपको क्या बोला है कि राहुल और अनुज वो दोनों एक दूसरे की प्लेस को चेंज कर रहे हैं, मैंने राहुल को उठा के ऐसा नहीं बोला कि राहुल जाके सपोज कोई गर्ल्स है, राइट, ऐसा मानो कि कोई सुनीता है ना, सुनीता नाम की गर्ल्स है, मैं ऐसा बोलूं कि सुनीता राहुल की जगह आकर बैठ जाए, राइट, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट हमेशा, राइट, अगर राहुल बॉयज और बॉयज या तो गर्ल्स और गर्ल्स के बीच में ही डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर, मतलब चेंज द पोजीशन। सेम थिंग हियर इज आल्सो, राइट, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेटल के बीच में होगा। क्लियर, मतलब यहाँ पे आयरन भी है, आयरन मेटल है और यहाँ पे कॉपर मेटल है, राइट, मतलब जहां पे कॉपर है वहां पे आयरन आ जाएगा और जहां पे आयरन है वहां पे कॉपर आ जाएगा, राइट, तो वो डिस्प्लेसमेंट हुआ, राइट। सो राइट डाउन इज हियर,
FeSO4 जहां पे कॉपर है वहां पे आयरन आ गया, राइट, मतलब यहां पे कॉपर सल्फेट है तो यहां पे आयरन सल्फेट हो जाएगा, क्लियर, एंड हियर इज कॉपर इज सेपरेटेड, क्लियर, मतलब कॉपर जो है वो सेपरेट हो जाएगा, क्लियर, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज व्हाट, राइट, चेंज द पोजीशन, लेकिन पोजीशन किसकी चेंज होगी, खाली मेटल की चेंज होगी, टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी हैव डिस्कस हियर, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट है, राइट, चलो वी आर टेक द अनदर एग्जांपल इज आल्सो जिंक Zn और CuSO4 अगेन इज कॉपर सल्फेट, तो पोजीशन किसकी चेंज होगी, राहुल और अनुज की, मतलब कॉपर और जिंक की, मेटल की पोजीशन चेंज होगी, राइट, सो हियर इज ZnSO4 और कॉपर इज सेपरेटेड हियर, राइट, यहां पे CuSO4 मींस कॉपर सल्फेट, यहां पे जिंक सल्फेट हो जाएगा, राइट, और कॉपर इज सेपरेटेड इज देयर, सेम थिंग अनदर एग्जांपल वी हैव डिस्कस हियर, लेड Pb और CuCl2, राइट, सो पोजीशन किसकी चेंज होगी, राहुल और अनुज की, राइट, राहुल और सुनीता की नहीं, एक चीज याद रखना, राइट, इसकी और इसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होगी, राइट, हमेशा मेटल और मेटल की पोजीशन ही चेंज होगी, मतलब हियर PbCl2 प्लस Cu इज सेपरेटेड इज देयर, क्लियर, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्लियर, टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी आर डिस्कस हियर, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा याद रखना है मेटल सिंगल होगा और एक कंपाउंड होगा, राइट, ये कंपाउंड है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों कंपाउंड होंगे, क्लियर, चलो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, अब आपको अच्छी तरह से देख लेना है, राइट, हमेशा मेटल और मेटल के बीच में ही डिस्प्लेसमेंट होगा, कभी भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया क्लास के अंदर डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज द पोजीशन, राइट, बॉयज बॉयज की पोजीशन अगर चेंज हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, गर्ल्स गर्ल्स की अगर पोजीशन चेंज करें हम टू गर्ल्स, राइट, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सेम थिंग आपको यहाँ पे याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा मेटल के बीच में होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में नहीं, क्लियर, वो ऑलरेडी आप चैप्टर 3 में आपने पढ़ा है, क्लियर, चलो हियर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अब हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो टू टाइप के कंपाउंड के बीच में होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब टू टाइप ऑफ कंपाउंड इज देयर, राइट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मींस व्हाट, हियर Na2SO4, राइट, इज सोडियम सल्फेट, अभी मैंने आपको बताया SO4 मतलब सल्फेट, एंड BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, डिस्प्लेसमेंट हमेशा राहुल और अनुज के बीच में होगा, मतलब मेटल के बीच में होगा, जहां पे Ba है वहां पे Na हो जाएगा, और जहां पे Na है वहां पे, राइट, जहां पे Na है वहां पे Ba आ जाएगा, जहां पे Ba है वहां पे Na आ जाएगा, क्लियर, मतलब हियर इज BaSO4 BaSO4 प्लस 2NaCl सोडियम क्लोराइड, मतलब बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड इज देयर, राइट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड, ये दोनों के बीच में जब डिस्प्लेसमेंट, देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, यहां पे एक ही मेटल था, राइट, अब ये दोनों कंपाउंड है, बराबर, और कंपाउंड इज व्हाट, व्हेन टू और मोर देन टू एटम इज कंबाइंड, ऑलरेडी हम 9th में पढ़े हुए हैं, क्लियर, मतलब यहां पे सोडियम सल्फर और ऑक्सीजन कंपाउंड, यहां पे बेरिलियम और क्लोरीन इज कंबाइंड इज देयर, क्लियर, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा मेटल और मेटल के बीच में होगा, क्लियर, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही मेटल होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड इज देयर, राइट, अनदर एग्जांपल इज आल्सो हियर वी हैव डिस्कस्ड, क्लियर, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट, बराबर, इसमें आपको खाली ये याद रखना है सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक ही मेटल होगा, राइट, और डिस्प्लेसमेंट इसके बीच में होगा सेम एनर्जी वालों के बीच में होगा, मतलब मेटल और मेटल के बीच में होगा, क्लियर, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है क्लास में, राइट, बॉयज बॉयज की पोजीशन चेंज होगी, राइट, और गर्ल्स में गर्ल्स की पोजीशन चेंज होगी, बॉयज और गर्ल्स की पोजीशन चेंज हुई तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू राइट दिस थियरी, क्लियर, चलो अभी मतलब हमने अभी क्या डिस्कस किया है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, नेक्स्ट थियरी, अब आपको ये इसको अच्छी तरह से लर्न करना है और बिना देखे लिखना है एटलीस्ट 2 से 3 टाइम,
राइट अगर टू से थ्री टाइम लिखोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो सब पॉसिबल नहीं है। ये सब जितने भी इसमें केमिकल रिएक्शंस है राइट, सब एग्जाम में इसमें से टू मार्क्स का क्वेश्चन पॉसिबल है राइट। कोई भी इक्वेशन दिया होगा आपको आइडेंटिफाई करना होगा या तो आपको डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स लिखना होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, डबल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्कस किया राइट। मतलब इसके आगे की थियरी अगर हम देखें तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिस्कस किया। कॉम्बिनेशन इज कंबाइन करना है ना, कंबाइन करना टू डिफरेंट डिफरेंट टाइप एटम को हम कंबाइन कर, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन सॉरी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होगा, सेम थिंग वाटर इज आल्सो क्लियर। तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। सेकेंड था डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेक कर देना है ना, बैक्टीरिया इज प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर्स बराबर। वो क्या करता है, छोटे कोई भी चीज को छोटे छोटे पार्ट में डीकम्पोज कर देता है राइट, ब्रेक कर देता है। तो सेम थिंग हियर इज आल्सो, बट केमिस्ट्री में आपको याद रखना है विदाउट हीट डीकम्पोजिशन इज नॉट पॉसिबल बराबर। अगर आप हीट दोगे तो ही वो ब्रेक डाउन होगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट थियरी फिर हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो टू टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब वन मेटल और वन कंपाउंड इज देयर राइट, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड इज देयर। और डिस्प्लेसमेंट किसके बीच में होगा, हमेशा यस मेटल और मेटल के बीच में होगा। क्लियर? कभी भी मेटल राइट और नॉन मेटल के बीच में नहीं होगा हमेशा। डिस्प्लेसमेंट मीन्स वर्ड देखो, ये सब है ना रियल लाइफ में यूज किए हुए वर्ड है, हमारी रोज की लाइफ में यूज करते हैं। क्लियर? बॉयज और बॉयज की पोजीशन को अगर क्लास में चेंज किया जाए राइट तो वो परफेक्ट राइट डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? और डबल डिस्प्लेसमेंट दो कंपाउंड के बीच में होगा, लेकिन वहां पे भी बॉयज और बॉयज की ही पोजीशन चेंज होगी, या तो गर्ल्स है तो गर्ल्स और गर्ल्स की ही पोजीशन चेंज होगी राइट, प्लेस चेंज होगा। क्लियर? वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन राइट। मतलब ये टॉपिक, अब लास्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट टू टॉपिक वी आर डिस्कस हियर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर? ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको यहां तक अच्छी तरह से कर लेना है ठीक है। इसके बाद हम लोग बायो का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि थोड़ा चैलेंजिंग है, बट पेशेंस की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। क्लियर? आप इतना एक बार कर लेना, कोई डाउट हो तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर? थैंक यू।